वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के खतरों के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी को रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाकेदार शुरुआत की है। सभी राज्यों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया फिल्म को मिली है। पूरे देश में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, पर कुछ लोग हैं जिन्हें ये रास नहीं आ रहा। पंजाब में रोहित शेट्टी की इस फिल्म को लेकर लोग काफी गुस्सा हैं। लोग फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं सूर्यवंशी से ट्विटर पर भी लोग खफा हैं। पंजाब में फिल्म का विरोध किया जा रहा है। कुछ जगहों पर आंदोलनकारी किसानों ने फिल्म के शो को बीच में ही रोक दिया था। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि अक्षय कुमार केंद्र सरकार के काफी नजदीक हैं और राज्य में किसान केंद्र की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन छेड़े हुए हैं। खबर है कि पंजाब के बुढ़लाधा में 2 सिनेमाघरों में शनिवार 6 नवंबर को सुबह के शो नहीं हो सके हैं। इसी तरह रोपड़ में भी सूर्यवंशी को रोक दिया गया है। बता दें कि पंजाब के किसान एकता मोर्चा ने अपने फेसबुक पेज पर भी इस फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग की है। इस पोस्ट में लिखा है, वे आए, उन्होंने हमें लूटा और फिर हमको भूल गए। हम पंजाब की सिनेमाघरों में सूर्यवंशी के प्रदर्शन का सख्त विरोध करते हैं। हम उन्हें खुद को और ज्यादा लूटने नहीं देंगे। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।